नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऋषिराज आसवानी और आज मैं एक नॉलेजेबल बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारा आज का सेशन है व्हाई इज देयर अ बीट स्पार्क व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन और ऑफ। ठीक है, हमने देखा होगा कि जब हम अपने घर में कभी स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा होगा कि उस टाइम पे हमें अंदर स्पार्क दिखता है। ठीक है, वो स्पार्क क्यों दिखता है, वो हमेशा हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन आता रहता हूँ कि ये स्पार्क जो है वो जब भी मैं फैन की या लाइट की जब स्विच ऑन या ऑफ करता हूँ तो दिखाई देता है। ठीक है ना, वो क्यों दिखाई देता है उसको मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। देखिए मित्रों, इंडक्टर बेसिकली क्या है, इट इज जस्ट अ स्पिरिकल कॉइल। ओके, इस तरह से एक मैंने एक वायर ले लिया, उसको मैंने इस तरह से बना दिया। सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट इंडक्टर, वी कैन कॉल दिस इंडक्टर। ओके, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, इस किस तरह से बिहेव करता है उसको मैं बहुत ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब हम लोग यहां से करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर्टी का नेचर है, प्रॉपर्टी का नेचर यह है कि जब भी उसमें से करंट फ्लो होता है तो वो मोमेंट इनर्शिया के बेस पे वो वर्क करता है। ठीक है, इनर्शिया के बेस मतलब क्या होता है कि जब यहां से करंट फ्लो होता है तो ये चाहता है कि इसमें से करंट फ्लो ना हो, ये चाहता है कि मेरे में से करंट फ्लो ना हो, क्योंकि इनर्शिया पे ये काम करता है। ठीक है, लेकिन आपने तो स्विच ऑन किया फैन चलाने के लिए या लाइट चलाने के लिए, आपने स्विच ऑन किया, जब आप स्विच ऑन करते हो और इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसको थोड़ा सा गुस्सा आता है। ठीक है, समझने के लिए लेते हैं हम लोग कि इसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, ये क्या करता है कि ये थोड़ी सी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके रखता है अपने अंदर, और थोड़ी सी एब्जॉर्ब की और बाकी का जो है करंट के फ्लो में उसने फ्लो करवा दी। ठीक है, तो थोड़ी सी जो एब्जॉर्ब की तो वो अब वो यूज करेगा, कब यूज करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका फैन चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है तो इसने अपने में से वो पास कर रहा है, लेकिन जब आपका काम खत्म हो गया तो आपने क्या किया, फिर फैन ऑफ कर दिया। ठीक है, तो जब आपने फैन ऑफ किया तब ये अपनी जो है ना अपनी वो जो एनर्जी उसने सेव कर रखी थी वो अभी वो रिलीज करेगा। ठीक है, किस तरह से रिलीज करेगा वो देखिए, जब आपने फैन को ऑफ किया तो इसने अपनी एनर्जी रिलीज की। ठीक है, जब वो एनर्जी रिलीज की तो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आपको वो स्विच ऑफ करने के टाइम पे वहां पे दिखती है। ठीक है, तो दिखने का रीजन हो गया इसका जो नेचर है, इनर्शिया वाला नेचर, वो इसकी वजह से आपको स्पार्क दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, इसी वजह से आपको स्पार्क जो है वो वहां पे दिखता है। ओके, तो अभी मैं आपको एक IIT क्वेश्चन इसके हिसाब से पूछने जा रहा हूं जो IIT में आया था। ये एक सर्किट है, ये दो बल्ब है, यहाँ पे बल्ब वन एंड हियर दिस इज बल्ब टू, और आप अच्छे से जानते हो ये जो है वो रेजिस्टर है और ये जो है वो इंडक्टर है। अभी आप इंडक्टर का नेचर तो जानते हो, देखिए रेजिस्टर का नेचर क्या है, रेजिस्टर तो क्या करता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इंडक्टर का जो नेचर है वो मैंने आपको बता दिया अभी। तो यहाँ पे होगा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा, जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो कौन सा बल्ब है वो पहले ग्लो करेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको समझने का प्रयत्न करते कि यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो करंट तो दोनों जगह पे जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करता है तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो सिर्फ रिड्यूस करेगा, तो यहां से तो करंट फ्लो हो जाएगा तुरंत। लेकिन इंडक्टर पे क्या होगा, इंडक्टर क्या करेगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वो सबसे पहले थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा जो करंट है वो एनर्जी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो उतने टाइम तक तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो उतने टाइम पे पास नहीं हो पाया, लेकिन यहां से तो पास हो गया, तो ये सर्किट जो है वो पहले कंप्लीट हो गई और ये सर्किट
थोड़े देर बाद कंप्लीट होगी. बहुत बहुत माइनर डिफरेंस होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ये कंप्लीट होगी. तो इसका सीधा सा मतलब है कि सबसे पहले ग्लो कौन करेगा, तो सबसे पहले ग्लो करेगा बल्ब वन, क्योंकि सर्किट उसकी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, चलो तो इसका आंसर तो आपको मिल गया. लेकिन अभी एक और क्वेश्चन में पूछता हूं कि जब मैं इसको ऑफ करूंगा, इस सर्किट को जब मैं ऑफ करूंगा तो कौन सा बल्ब है जो पहले बंद हो जाएगा. देखिए ये भी बहुत समझने वाली बात है कि जब आप सर्किट को ऑफ करते हो तो कौन सा बल्ब सबसे पहले बंद होगा, सबसे पहले जो है वो. तो इसका आंसर ये है, समझिए, जब मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो ये तो तुरंत बंद हो गया. लेकिन इसने क्या किया, जैसे मैंने आपको आगे बताया इसका नेचर है, इसने क्या किया, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो गया तो इसने अपनी एनर्जी रिलीज की. ठीक है, जब वो रिलीज की तो चाहे बहुत कम समय के लिए, बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा इसके इससे तो थोड़ा सा ज्यादा वो जला. यानी कि बंद भी सबसे पहले कौन हो गया, ये वाला बल्ब जो है सबसे पहले बंद होता है और यही वाला बल्ब जो है वो सबसे पहले ग्लो करता है. ठीक है, तो ये है इसका आंसर, यही बल्ब सबसे पहले बंद होगा और यही बल्ब सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो है आप इसका आंसर कब दे पाओगे, जब आप इंडक्टर और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा. ठीक है, तभी आप ये आंसर दे पाओगे. तो अभी मैं आशा करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा कि जब आप अपने घर में स्विच ऑन या ऑफ करते हो तो सबसे पहले उसके अंदर या ऑफ करने के टाइम पे या ऑन करने के टाइम पे आपको जो अंदर स्पार्क दिखता है वो किस वजह से दिखता है. तो उसका जो रीजन है वो क्या है, उसका रीजन है इंडक्टर. ठीक है, उसका रीजन है, उसका जो नेचर है वो उसका रीजन है. ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लो आप अपने स्टोर रूम में या कहीं पे आप गए, आपको कुछ काम है, बहुत अंधेरा हुआ है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ऑन किया, ठीक है, आपने अपना काम खत्म किया, उसके बाद आप स्विच ऑफ करके बाहर निकल गए. ठीक है, अभी आप जब बाहर निकले फिर आप दूसरे दिन उसी टाइम पे वहां पे गए वापिस, और वहां पे गए आपने स्विच ऑन किया फिर से वो बल्ब का, लेकिन बल्ब स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको शायद लगा होगा कि बल्ब मतलब अभी मैंने जब स्टार्ट किया वो टाइम पे उड़ गया होगा. लेकिन लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है. देखिए मैक्सिमम चांसेस जो है बल्ब का उड़ जाना, वो मैक्सिमम चांसेस है जब आप बल्ब को, जब आप स्विच ऑफ करते हो ना तब मैक्सिमम बल्ब उड़ जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई हर टाइम ऐसा ही होता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस क्या है, जब आप स्विच ऑफ करते हो तब बल्ब उड़ जाता है. उसका रीजन जो है वो क्या है, ठीक है, उसका रीजन ये है कि आपने जब स्विच ऑफ किया होगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, इंडक्टर ने अपना एनर्जी रिलीज किया, और अगर वो एनर्जी उसने थोड़ा सा ज्यादा रिलीज कर दिया तो वो क्या करेगा, बल्ब का जो टंगस्टन होता है, ठीक है, ये जो वायर होता है टंगस्टन, उसको ब्रेक कर देता है. इसी वजह से बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बल्ब उड़ जाता है. ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस ही रहता है. तो आपको लग रहा होगा कि चलो यार मैंने चालू किया अभी बल्ब तो उस टाइम पे उड़ गया, लेकिन वो चांसेस बहुत कम रहते हैं. आप जब रात को बंद करके गए थे ना उस टाइम पे आपका बल्ब उड़ गया था. ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत मतलब नॉलेजेबल बात रही होगी. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन, हमारा ये टॉपिक जो है वो पसंद आया. ठीक है, ओके, नमस्कार.